बिजनौर कबड्डी टूर्नामेंट की बात करें तो उत्तर प्रदेश कांटी की टीम दूसरी तरफ है बिजनौर की टीम के बीच मैच होगा सेमीफाइनल। जुबेर की बात करें भाई, चेतू की बात करें, राजन की बात करें, अच्छा मुकाबला है। टॉस जीता है लखावटी एकेडमी ने, लखावटी ने टॉस जीता है। पहली रेड देखने को लगी बिजनौर की तरफ से। रेफरी साहब टॉस लखावटी ने जीता। राजा राम लजीबाबाद बिजनौर कबड्डी टूर्नामेंट भरपूर मुकाबला रहने वाला है। चेतू भाई बिजनौर के बागलपुर गांव से बिलोंग करता है खिलाड़ी, और बागलपुर टीम का भी दबदबा रहता था बिजनौर कबड्डी टूर्नामेंट में, खासकर सिंगल पॉइंट मैच भी सिंगल पॉइंट। खाता खुल चुका है बिजनौर का, खाता खोल लो बाकी लखावटी को। इस खिलाड़ी पर भाई निर्हार रहने वाली है। एक अच्छा मुकाबला दिखाया था, ऑलराउंडर प्रदर्शन किया था, जिसके लिए जाना जाता है खिलाड़ी। क्या वो फिर से देखने को मिलेगा? खाता खुलता हुआ लखावटी का भी। स्कोर की बात करें तो 2-1 स्कोर है बिजनौर इस समय लीड में। बिजनौर अकेडमी के खिलाड़ी काफी मेहनत करते हुए वापस अपनी फील्ड में उनके जवाब में चले और एक पॉइंट आपने पहले ही गवा दिया है एक्स्ट्रा के रूप में। इसके जवाब में फिर से वही बिजनौर अकेडमी के राडर रोशन कुमार और चेतू। बहुत खूब खिला रहा अंदाज, बहुत जबरदस्त राडर, तीसरी राडर डू अडाई खेल टच का प्रयास बड़े नाकाम। राजन ने बाहर संभाला है इस बार, दावा किया था वंश ने लेकिन उसको फायदा नहीं उठा, पॉइंट नहीं मिला। दो तीन का स्कोर
दो स्कोर लिखावटी। ऐसा ही एक क्वार्टर फाइनल मुकाबला देखने को मिला था बीके अकेडमी के साथ। स्कोर हो गया बराबर, स्कोर 3-3। दोनों तरफ से भाई संघर्ष किया जा रहा है, इस बेहतरीन है लगा का, लेकिन दो पॉइंट मिले हैं अभी तक। बिजनौर एकेडमी 4-5 का स्कोर, बिजनौर एकेडमी 5 लखावटी 3। से पिछड़ते हुए लखावटी कमाल का प्रदर्शन किया है बिजनौर ने पूरे टूर्नामेंट में, बहुत जबरदस्त चलता हुआ है मैच। चाहे भाई आर्मी की टीम को आ रहा है लेकिन लक्ष्य है पॉइंट दिलाना था, से वापसी कराई है लखावटी का स्कोर पर। अभी भी बिजनौर एकेडमी के पास है पॉइंट की लीड 4-5 का। बिजनौर एकेडमी के रेडर लखावटी की फील्ड में दे देगा लवड़ों को पैदे, अभी मिल जाए क्या पैदा उसे जाटों को ना होगा बहुत मेरे एक दिन तो मैं बाप बताऊं वॉच एक और एमपी का बाबा मेरे पैदे बात करवाऊंगा तू। लखावटी के रेडर बिजनौर एकेडमी की फील्ड में वंच भाई गुरुकुल एकेडमी पाशेड़ा कुछ भी कवल देव सतवाल की किसान कन्या का काल गुना बिजनौर एकेडमी को समर्थन मिला। बिजनौर एकेडमी 4 दूसरे मेन नहीं तंखा में है 6-4 का स्कोर। बिजनौर एकेडमी के रेडर लखावटी की फील्ड में कबट कबट की आवाज जो है ना वहीं मिलेगी, टेंशन मत लो और मैं तुमसे फ्री होकर बात करूंगा, उस तनु कह दो ना लिम भाई से बात कर ले। बिजनौर एकेडमी को अगर लखावटी 7-4 का स्कोर बराबर ही पर चलता रहेगा, लेकिन जिस तरह की राजन रेडर हैं, जिस शैली के रेडर हैं मुकाबले को मोड़ने का मुद्दा रखता है, जीतने का मुद्दा रखता है खिलाड़ी। दो और एमपी रेड 7-4 का स्कोर। सुशांत को सात का स्कोर है। जब जब भाई पॉइंट मिला लखावटी को आती है तो उस समय याद आता है एक पॉइंट मिला लखावटी को, स्कोर हुआ 6-8 का स्कोर। जो भाई जनक मांगने जाते हैं बिजनौर एकेडमी के रेडर लखावटी की फील्ड में राजन इस समय रेडर स्कोर 6-8। हाथ मारने की कोशिश
उनके जवाब में चले बहुत ही अच्छा मारने का प्रयास कबड्डी की जंग है, संघर्ष है। पहला सेमीफाइनल मुकाबला उनके पास कोई टाइम नहीं, बिल्कुल तैयार है। अभी मुकाबला बहुत बचा है भाई, फर्स्ट हाफ का समय चल रहा है, बिल्कुल तैयार है। सिंगल पॉइंट गेम है, बोनस करने के बाद एंकल होल्ड में स्कोर बराबर हो गया, 8-8 स्कोर बराबर। अपनी मेहनत दिखा रहे हैं लखनऊ की टीम के अंदर, हाथ चलाने का प्रयास लेकिन मेहनत नाकामयाब रही। कभी एक पॉइंट की लीड में लखावटी तो कभी एक पॉइंट की लीड में बिजनौर, ऐसा में लीड में एक एक पॉइंट पर तो पाप हुआ है मुकाबला। करीब 12 मिनट के आसपास का समय हुआ है फर्स्ट हाफ में। हाँ, अभी लखावटी जीत रही है ना बिजनौर जीत रहा है तो सिर्फ गेम। भाई डुबकी जरूर लगाई है राजन ने, लेकिन अंकित सामने से स्कोर हो गया फिर से बराबर। नौ स्कोर बराबर। जुबेर के सामने जुबेर भाई अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है सिंगल पॉइंट का। जाएगा डिफेंस के नाम चित्तू फिर से एक पॉइंट की लीड पर आगे बिजनौर, बिल्कुल एक पॉइंट पर तो आए मुकाबला। बिजनौर का नाम में खाफी मैच के अंदर एक बोनस मारने पर ₹100 पुरस्कार दिया जाएगा मिस्टर मोहम्मद अजमल साहिब की तरफ से। कोई भी टीम का रेडर दूसरी टीम में जाकर बोनस मारता है तो उसको प्राइज ₹100 दी और मिस्टर मोहम्मद अजमल ये 4 नंबर खिलाड़ी लखनऊ की टीम की फील्ड में एक बार फिर से प्रयास करेंगे, हाथ चलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये इनकी
कामयाब नहीं हो पाए। स्कॉट है क्या है? टू वर्ड आई रेड है। यहाँ रिस्क लेना होगा। रिस्क लिया। पल्टी लगाई है। मध्यांतर के समय स्कोर की बात करें तो 9-11 का स्कोर है और 2 पॉइंट की लीड में समय बिजनौर है। दो पॉइंट की लीड थी, 9-11 का स्कोर था। अब स्कोर की बात करें तो 10-11 का स्कोर है, 1 पॉइंट की लीड अभी भी बिजनौर के पास। 10-11 का स्कोर, दोनों टीमें कोई भी ऐसी गलती नहीं करेगी। बहुत ही भाई एक एक पॉइंट पर मुकाबला है। बिजनौर अकेडमी चार बिजनौर की फील्ड में वन से सब देखते हैं कि अगर अपनी टीम दो पॉइंट अर्जित करते हैं नहीं और हाथ मारने का प्रयास मगर ना राजन इसलिए बिजनौर अकेडमी के रेडार एक ऐसा खिलाड़ी भाई जो लगातार संघर्ष किया है पूरे टूर्नामेंट, हर मुकाबले को निकाला है भाई, मजेदार से निकाला है। डू व्हाट आई कैन स्टॉप डोडाई। क्या स्कोर बराबर होगा या अंतर ओवर बढ़ेगा? एक पॉइंट की बढ़त बना रखी है बिजनौर एकेडमी ने और देखिए बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है वंस के साथ स्कोर बराबर बराबर दोनों टीमें। डोडाई में बच आज अलग रंग में दिख रहे हैं, जो पिछले 3-4 साल पहले रंग था वो रंग है आज गौरव के ऊपर। 14-12 का स्कोर लकाबी 14 लकाबी के रडार एक समय समय बीत रहा है। स्कोर भाई 14-12 का स्कोर। लक्ष्य समय काट रहे हैं, पूरा समय ले रहे हैं। दो पॉइंट से पिछड़ रही बिजनौर एकेडमी। बिजनौर एकेडमी के रेडर में
स्कोर है 12-14। देखना होगा अच्छा खेलते हैं जो निशाना बनाकर हैंड को चुन किया। सुभान नमाज अरे बंद कर दे कुछ देर के लिए। स्कोर बता दे, बंद कर दे स्कोर बता दे। धीरे धीरे जो लीड है वो 4 पॉइंट की हो गई है। बारह 16 स्कोर, सिंगल पॉइंट गेम में भाई 4 पॉइंट की लीड मायने रखती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि लीड छट नहीं सकती, कट नहीं सकती लीड। लखावटी ने करके दिखाया, काट के दिखाया। सुसान समय काटते हुए चंप जरूर लगाई थी, लेकिन चंप को भी तराशा ही कर दिया एक बार फिर अंकित ने। चल लेकर आए सामने से लक्ष्य के साथ। अब कह सकते हैं प्रेशर में दिख रही है बिजनौर की टीम, क्योंकि 5 पॉइंट का जो अंतर है ये क्रॉस ले रखी है। क्रॉस लेने का मतलब है कि भाई क्रॉस का सिलसिला था, उसकी वजह से पॉइंट गया है बिजनौर के खाते में। अंतर रह गया है 4 पॉइंट का, जो 5 पॉइंट का अंतर रह गया था। वंस भाई क्रॉस ले रखी है, क्रॉस कर दी। आठ मिनट का समय सही सर, उस समय होता भी 8 मिनट का ही डा मात्र 4 पॉइंट। बीत गया था पूरी तरह से एंड मूवमेंट पर तारीफ करनी होगी बिजनौर की, जिस तरह का मुकाबला दिखाया है। चौदह 17 लेकिन जो गलतियां हैं लगातार करती हुई रही। फिर से भाई क्रॉस पर डू ऑर डाई है, कम से कम 1 पॉइंट अभी चाहिए ही चाहिए लगातार, और कम से कम 2 पॉइंट बिजनौर को बने रहना है।
और बोनस मारने का प्रयास अंपायर का फैसला अंतिम फैसला होगा टचिंग बाउंड्री का राउंड है और ये बाउंड में नफाउटी 13-18 स्कोर क्रॉस ले रखी है भाई और जुबेर सामने चैन में उसके बाद भी ये मुकाबला पूरी तरह से लखावटी के पक्ष में आ गया क्योंकि समय बहुत कम है, 3 मिनट के आसपास का समय शेष है और 3 मिनट में दोनों फॉर्मेट में 5 पॉइंट की लीड कट सकती है लेकिन यहाँ सिंगल पॉइंट ही गेम है। बोनस भी करना भाई देखते हैं अपनी टीम के लिए क्या करते हैं और बार बार प्रयास ऋषभ कुमार ऐसी नींद नहीं खेल से हैं जैसे कि ये तो हो रहे हैं वही अब वो कहानी है अब पछतात हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत क्योंकि जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। क्रॉस लिए अब क्रॉस को मेरे हिसाब से कर लिया है 6 पॉइंट की बढ़त बना रखी है लगावटी ने समाप्ति और करता हुआ ये मैच टूर्नामेंट2 मिनट का समय शेष है बहुत ही शानदार ओवर भाई मैच के समाप्त होने करीब 1 मिनट के आसपास का समय शेष इस खेल के समाप्त होने में 1 मिनट का स्कोर 16-22 स्कोर बिल्कुल भाई लखावटी फाइनल में पहुंचने वाली टीम बन गई है, पहली टीम बनी है। दूसरा दिल्ली वर्सेस नोएडा के बीच जो मुकाबला होगा उसमें से जो जीतेगी वो लखावटी के साथ फाइनल खेलेगी। थैंक यू धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें। दिल्ली वर्सेस नोएडा जल्दी से जल्दी फिर करते रहो।